फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे फेस्टिवल। तब दिवाली का टाइम आ गया, पूजा करने का टाइम, डेकोरेशन का टाइम। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही क्विक और इजी आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, जो आप एट अ टाइम विद इन 50 to 20 minutes में कर सकते हैं। हाँ, ये एक फ्लावर डेकोरेशन आइडिया है। मतलब आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का फ्लावर और किसी भी तरह के लीफ का यूज करके अपने घर को थोड़ा सा और भी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे बना रही हूँ। इसके लिए मतलब आप गुलाब, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, किसी भी तरह के फ्लावर का और थोड़े से आम के पत्ते, पान के पत्ते, इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। मेरे पास आम के पत्ते नहीं है तो मैं यहाँ पर जो जनरल लीफ मिलता है वो सब लीफ लेके आई हूँ और आपको बता रही हूँ। इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। पहले हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम जो लीफ यूज करेंगे उसके पत्ती तोड़ के उस पानी में फ्लोट कर देंगे। जो भी फ्लावर आप ले रहे हो, ये सम काइंड ऑफ फ्लावर है, उसे मैं तोड़ के ऐसे रख दूंगी। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह की लीफ है तो उसे इस तरीके से स्टैंड करना है फ्लावर के ऊपर फ्लोट करने के लिए। इसके ऊपर से मैं एक बड़ा सा फ्लावर रख दूंगी और चारों तरफ से भी छोटे छोटे फ्लावर रख दूंगी। हो गया, रेडी हो गया। इसमें कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की मेन चीजें, सोर्सेस की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक हम कैंडल रख देंगे। अब इसी तरह से मैं सेकेंड बाउल भी रेडी करूंगी। इसके ऊपर मैं यहाँ पर बहुत सारे पत्तियां लाई थी, कलरफुल पत्तियां यहाँ मिलती है, वो पत्तियां मैं फ्लोट करने के लिए डालूंगी। आप चाहते हैं यहाँ पर आम के पत्तों का ऐसे पतले पतले करके उसे डाल के और उसके ऊपर एक फ्लावर रख के और कैंडल को फ्लोट करा सकते हैं। जिस तरह की चीजें हैं उस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। बनाना लीफ से भी आप चाहे तो अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। बनाना लीफ को काट के इस तरीके से करके थोड़ा सा फूल सजा के कैंडल डाल के जला दो। ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन जब इसका कैंडल ग्लो होगा ना तो इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी। और नाइट के टाइम पे आप कहीं भी इसे डाइनिंग हॉल में या पूजा के एरिया में कहीं भी रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ 5 बाउल रेडी किए। ये मेरा 3rd बाउल रेडी हो रहा है। इसमें मैं थोड़े से गुलाब के पंख भी डाल रही हूँ, थोड़े से एक और डिफरेंट टाइप का फ्लावर डाल रही हूँ। ये बीच में स्टिक डाला ताकि मैं यहाँ पर 3 पोर्शन में फ्लावर डालूंगी। इससे वो स्टिक के एक साइड दूसरे फ्लावर और स्टिक के अदर साइड दूसरे फ्लावर। इस तरीके से मैं यहाँ 3 पोर्शन में उसको फ्लावर डाल के डेकोरेट करूंगी। ये भी रेडी हो गया। अब हम इसे स्टिक को निकाल लेंगे। ये तीनों फ्लावर 3 पोर्शन में आपको दिख सकते हैं। इसके ऊपर एक लीफ रख देंगे और उसके ऊपर कैंडल। लीफ रखा ताकि वो कैंडल को बैलेंस करे। अब ये 4th आ गया। 4th बाउल में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद ये लीफ है उसको दोनों तरफ से मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये कलरफुल लीफ है, यहाँ पर अभी फॉल का सीजन चल रहा है ना तो ये कलरफुल लीफ यहाँ मिल रहे हैं। इधर और ये लीफ यहाँ भी नहीं मिलते हैं। ये सब लीफ अब खत्म हो रहे हैं तो ये कलर के होके खत्म होंगे। ये लीफ डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर को तोड़ के डाल देंगे। दैट्स इट, हो गया। ये है ना इजी एंड क्विक आपको घर डेकोरेट करने का ये आइडिया। आप इसे डेकोरेट करके डाइनिंग हॉल में या अपने रंगोली, अगर आपने रंगोली बताई है तो रंगोली पे भी आप रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टी लाइट कैंडल का यूज किया है। आप चाहे तो दूसरी दिए का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ये 5 इंस्टेंट और इजी क्विक वाटर बाउल विथ फ्लावर रेडी हो रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इस तरीके से मेरे चैनल पे और भी 2 वीडियो हैं जिसे आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह के आइडिया है। अब इस कैंडल को हम जला देंगे और इसकी खूबसूरती को देखेंगे। ये बहुत ही इजी डेकोरेशन आइडिया आप आराम से कर सकते हो। आई होप इस दिवाली आप लोग भी ये ट्राई करेंगे। तो आज दिवाली का दिन ही है, सो विश यू हैप्पी 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 एंड हेल्दी दिवाली। सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए और फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।